साथियों आप सभी का इस प्रोग्राम पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है आगामी यूपी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए विभिन्न कोचियों के जो टेस्ट सीरीज हैं उनको हम लोग एक करके यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है फिजिक्स वाला जो कोचिंग संस्था है इनके द्वारा जो यूपी पीसीएस 2024 के लिए सेक्शनल टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से हम लोग जो इनका पाँचवा टेस्ट है सेक्शनल इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित इस टेस्ट पेपर को यहाँ पर हम लोग पूरी व्याख्या के साथ कंप्लीट करेंगे। और ध्यान रखिएगा ये जो जितने भी प्रश्न हैं ये सारे प्रश्न आपके यूपी पीसीएस के साथ साथ आपके आरओ एआरओ की परीक्षाओं के लिए तथा अन्य जो भी राज्य स्तरीय पीसीएस की परीक्षाएं उन सभी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है कि भारत के भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है भारत का अक्षांशीय विस्तार वो 8° 4' उत्तर से लेकर 37° 6' उत्तरी अक्षांश से। ये पूरी तरीके से सही है, ठीक है, ये पूरी तरीके से सही है पहला कथन। वही ध्यान दीजिएगा कि ये तो आपका उत्तरी अक्षांश है जबकि जो पूर्वी देशांतर है वो कितना है, वो आपका 68° 7' पूर्व से लेकर के 97° 25' पूर्वी देशांतर के मध्य में विस्तार है, ठीक है। तो पहला कथन आपका सही होगा। दूसरा, भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर तक विस्तारित है। ये भी सही, दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है भारत में चट्टान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। दो कथन दिए गए हैं। पहला, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ है। ये कथन आपका सही है। दूसरा, गोंडवाना अनुक्रम में सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला प्राप्त होता है। ये भी सही, दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। देखिए, आर्कियन चट्टाने पृथ्वी पर सबसे प्राचीन चट्टाने हैं। पृथ्वी के तरल पदार्थ के जमने से निर्मित चट्टाने हैं। ये चट्टानों को दो भागों में विभाजित किया गया है, आर्कियन अनुक्रम और धारवाड़ा अनुक्रम। आर्कियन की चट्टाने पृथ्वी की तरल अवस्था से जमने के क्रम में निर्मित हुई हैं जबकि धारवाड़ की चट्टाने आर्कियन चट्टानों के क्षरण और जमाव से निर्मित हुई हैं। धारवाड़ की चट्टानों में जीवाश्मों का अभाव है और इनमें ग्रेनाइट, नीश, स्लेट, फ्लेस्पर, क्वार्टजाइट, अवरक, सिस्ट, फाइलाइट आदि के भंडार हैं। वहीं गोंडवाना की बात करें, गोंडवाना मतलब भारत के कुल कोयला भंडार का लगभग 98% जो है वो गोंडवाना काल का है और इस कोयले का निर्माण जो है लगभग 250 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। गोंडवाना कोयले की खदानें दामोदर, महानदी, गोदावरी, सोन और नर्मदा नदी घाटियों के क्षेत्र में स्थित हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालय में अवस्थित है। ट्रांस हिमालय में देखिए, हिमालय को जो है आप चार भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। सबसे उत्तर में ट्रांस है, फिर आपका बृहद हिमालय है, फिर आपका मध्य हिमालय है, मध्य हिमालय कह सकते हैं या लघु हिमालय कह सकते हैं, फिर आपकी शिवालिक है, ठीक है। तो ये चार भागों में है। तो पूछा गया है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालय मतलब ये जो सबसे उत्तर वाला है इसमें स्थित है। देखिए, ट्रांस हिमालय में आपका काराकोरम, लद्दाख और जाशकर तीन है। काराकोरम, लद्दाख और जाशकर जो पर्वतमाला है वो आपकी ट्रांस हिमालय में स्थित है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। काराकोरम और लद्दाख, ठीक है, और जाशकर, जबकि जो पीर पंजाल है, पीर पंजाल जो है वो आपका मध्य हिमालय कह सकते हैं या लघु हिमालय का भाग है। आपका मध्य हिमालय या लघु हिमालय कहें तो उसमें माउंट एवरेस्ट, कंचनचंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, त्रिशूल, बद्रीनाथ, नीलकंठ, केदारनाथ इत्यादि ऊंची चोटियां मध्य हिमालय में स्थित हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो इसमें से देखिए, नामचा बरवा, पलानी, मिश्मी, डोडा बेटा। तो नामचा बरवा आपका अरुणाचल प्रदेश में है और मिश्मी, ये दोनों के दोनों ही जो है ये हिमालय पर्वत श्रृंखला के हिस्सा हैं, ठीक है। जबकि पलानी तमिलनाडु में, डोडा बेटा जो है ये आपका नीलगिरी पर्वत का की चोटी है, ठीक है, या कह सकते हैं नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा मतलब आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, दो सूचियाँ दी गई हैं, पहाड़ी या पर्वत और किस राज्य से संबंधित है। गुरु शिखर जो है, गुरु शिखर राजस्थान में है, चार से। कोडाइकनाल ये तमिलनाडु, नोकरेक मेघालय तो दो से, धूपगढ़ मध्य प्रदेश वन से। तो 4-3-2-1 बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, बनिहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर में है, ठीक है, बनिहाल दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है, पालघाट दर्रा केरल में है, बोमडिला
बोमडिला, यांग्याप, दीफू, ये अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सी वाला विकल्प सही नहीं, शिव किला हिमाचल प्रदेश में है। कार्बी ओंगलांग, कार्बी ओंगलोंग पठार को स्थानीय रूप से निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मेघालय पठार के नाम से जाना जाता है। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग जो है, प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में अवस्थित है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय पठार, कार्बी ओंगलांग पठार और उत्तरी कछार पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार, जो छोटा नागपुर का पठार है, का ही एक पूर्वी विस्तृत भाग है, जो राजमहल गारो गैप तथा मालदा गैप के द्वारा पृथक हुआ है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अंडमान द्वीप समूह की उत्पत्ति किस पर्वत श्रृंखला के विस्तार से हुई है? तो ये अराकान योमा पर्वत श्रृंखला के विस्तार से हुई है। ठीक है, देखिए, अराकान योमा म्यांमार में स्थित हिमालय का विस्तार है। अराकान पर्वत को राखीन पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी झील फुमदी या फुमडी से संबंधित है? तो लोकटक झील मणिपुर की। अगला है आपका, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमिलित नहीं है? भोटिया जनजात उत्तर प्रदेश और आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में और आपका उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में। लिंबू सिक्किम में, चेचू आपका मेघालय में रहने वाली जनजाति नहीं है। ठीक है, चेचू आपकी कहाँ की है? चेचू जो है आपकी आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक एवं तेलंगाना राज्य से संबंधित, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना राज्य से संबंधित अर्धखानाबदोश प्रजाति है। टोडा तमिलनाडु की है। अनुलोम प्रतिलोम विवाह की प्रथा निम्नलिखित में से किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये बुक्सा जनजाति में। किस जनजाति में? बुक्सा जनजाति में प्रचलित है। बुक्सा जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड के नैनीताल, पौड़ी और गढ़वाल जिलों तथा उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कथन काण का प्रश्न है कथन है कि गंगा नदी पूर्वाभिमुख अपवाह, मतलब ईस्टवर्ड ड्रेनेज का उदाहरण है, सही है। कारण, गंगा नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। कथन कारण दोनों सही और व्याख्या ब्यूरो इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? सुबनसिरी, धनसिरी, तिस्ता, ये तीन के तीनों जो हैं आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां, 1, 2, 3। इसके अतिरिक्त देखें, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में तिस्ता, कामेंग, सुबनसिरी, तिस्ता, धनसिरी और सुबनसिरी तो है ही, इसके अतिरिक्त कामेंग है, दिहांग है, दिबांग है और लोहित भी हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सापू के नाम से जाना जाता है। अगला है, कौन सी नदी ग्रैंड ए निकट कलनई के लिए जानी जाती है, जो दुनिया की एक सबसे पुरानी जल विवर्तन संरचनाओं से एक है, मतलब सबसे पुरानी बांध है, ये एक प्रकार का बांध है। तो ये आपका किस पे है? कावेरी नदी पर, तमिलनाडु में कावेरी नदी पर है। और ये कल्लई बांध दुनिया का चौथा सबसे प्राचीन बांध है। इसका निर्माण चोल राजवंश के राजा करिकल चोल के द्वारा करवाया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात बनाती है? तो ये आपका कावेरी नदी बनाती है। कावेरी पे कौन सा जलप्रपात है? शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कि आयतन की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। काराकोरम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस नदी को मृत्यु की नदी के रूप में जाना जाता है? तो शोक नदी को मृत्यु की नदी के रूप में जाना जाता है। शोक नदी का उद्गम रीमो ग्लेशियर से होता है। किससे होता है? रीमो ग्लेशियर से होता है। और शोक नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? जोग जलप्रपात सरावती नदी कर्नाटक में। दूधसागर जलप्रपात जो है ये नर्मदा नदी पर नहीं है। दूधसागर जलप्रपात ये गोवा में है, गोवा के पश्चिमी घाट में, और यह मांडवी नदी पर गोवा और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है दूधसागर जलप्रपात। ठीक है, यहाँ पे बी वाला सही नहीं है। चित्रकूट जलप्रपात आपका छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। अगला है, दो सूचियाँ हैं, झील और स्थित। अष्टमुड़ी झील कहाँ पे है? ये आपका केरला में। तीन से मिलाई हुसैन सागर झील जो है हुसैन सागर तेलंगाना में। चार से मिलाई कोल्लेरू आंध्र प्रदेश में। दो से सांभर झील राजस्थान में। वन से मिला दीजिए तो 3, 4, 2, 1 ए ऑप्शन हो जाएगा। कोडाइकनाल झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन है। पहला, यह एक कृत्रिम झील है, सही है। कोडाइकनाल झील एक खारे पानी की झील है, नहीं, ये ताजे पानी की झील है, खारे पानी की झील नहीं है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा है तमिलनाडु में स्थित है, ये भी सही है। ठीक है, तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में स्थित है और इसका निर्माण 1863 में मदुरै के तत्कालीन कलेक्टर सर बेरे हेनरी लिविंगेन द्वारा करवाया गया था। ठीक, तो पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा गलत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला है भारत में शीतकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। शीतकालीन मानसून की बात कर रहे हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, जो कि ग्रीष्मकालीन मानसून की दिशा क्या होती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अगला है भारत के गंगा, भारत की गंगा के मैदानी इलाकों में तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश को स्थानीय रूप से स्थानीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है, तो इसे काल बैसाखी कहते हैं, काल बैसाखी। इसे नॉर्वेस्टर भी कहते हैं, नॉर्वेस्टर भी कहते हैं। जबकि आम्र वर्षा जो है, आम्र वर्षा वह होती है जो मानसून आने से पूर्व होती है। आम्र वर्षा मुख्य तौर पर केरल, कर्नाटक तथा साथ ही तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ भागों में भी प्रभावी होती है। वहीं कॉफ़ी ब्लॉसम की बात करें तो यह गर्मियों की बारिश या प्री मानसून कॉफ़ी बागानों के फलने फूलने में सहायक होती है। आगे बात करते हैं, अगला है कि दो कथन दिए गए, कथन कारण का प्रश्न है, कथन है बंगाल की खाड़ी में उच्च तापमान से निर्मित निम्न दाब के कारण अधिक चक्रवात उत्पन्न होते हैं, सही है। यहाँ से उठने वाले चक्रवात दक्षिणावर्त दिशा में घूमते नहीं, वामावर्त दिशा में घूमते हैं, ठीक है, वामावर्त दिशा में घूमते हैं। इसलिए कथन तो सही परंतु कारण गलत है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मृदा का निर्माण निम्नलिखित में से किसके अपक्षय के द्वारा होता है, तो ये आपका बेसाल्ट लावा के अपक्षय के माध्यम से होता है, बेसाल्ट लावा के अपक्षय से होता है। देखिए काली मिट्टी को रेगुर, कपासी मृदा, उष्णकटिबंधीय काली मिट्टी और उष्णकटिबंधीय चेरनोजम आदि नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। तो जो आपका उष्णकटिबंधीय चेरनोजम है ये कौन सी है, काली मृदा है। भारत में रेगुर मृदा का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन के कारण होता है। ये मिट्टी दक्कन ट्राइब के ऊपरी भागों में पाई जाती है, विशेष रूप से महाराष्ट्र मध्य प्रदेश गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में इसकी उपस्थिति है। लैटराइट मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, पहला इसका रंग सामान्यता लाल होता है, सही है। इस मिट्टी की उर्वरता अधिक होती है, इसकी उर्वरता कम होती है, ठीक है, तो बी विकल्प गलत है। लैटराइट मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, सही है। टैपियोका और काजू इन मिट्टी में अच्छी तरह होते हैं, ये भी सही है। देखिए इनका लाल रंग जो होता है इसमें आयरन की अधिक मात्रा, लोहे की अधिक मात्रा की वजह से होती है। अगला है वर्षा की बूंदों के मिट्टी पर प्रभाव से मिट्टी के कणों का अलग हो जाना कहलाता है स्पैलस अपरदन, क्या कहलाता है, स्पैलस अपरदन, या इसे वर्षा जल अपरदन कहते हैं। जबकि जो परतदार अपरदन या आपका कह सकते हैं शीट अपरदन होता है, पहला शीट अपरदन क्या होता है, जब मिट्टी वर्षा के जल के साथ बहने लगती है, जब मिट्टी जो है वर्षा के जल के साथ बहने लगती है तो शीट अपरदन कहते हैं। वहीं रील अपरदन क्या होता है, रील अपरदन या छिद्र सरिता, जब मिट्टी में छोटी और उथली नालियां निर्मित हो जाती हैं। वहीं आपका गली अपरदन क्या होता है, बड़ी अवनालिका अपरदन, बड़ी अवनालिका अपरदन, जब अपरदन नालिका बड़ी और चौड़ी हो जाती है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। सुंदरी जो आपके पेड़ पर आ जाते हुए हैं, ये आपके सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में विस्तारित है, यहाँ पर होता है, हिमाचल प्रदेश में नहीं। तो यहाँ पर ए विकल्प जो है वो गलत है, सिनकोना असम में, सागौन मध्य प्रदेश, महोगनी केरल में। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, 52% भाग, 52% भाग पर। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी वैली परियोजना के आधार पर डिजाइन की गई तो यह दामोदर नदी परियोजना है। दामोदर नदी जो है ये हुगली की सहायक नदी है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में हुई थी। अगला है, दो सूचियां हैं, नदियां और उस पर स्थित बांध। बेतवा नदी पर कौन सा है, माता टीला बांध है, तो चार से मिलाइए। ताप्ती नदी पर जो है उकाई बांध है, ताप्ती पर उकाई बांध है, तीन से मिलाइए। कृष्णा पर अलमाटी बांध है, तो इसे आप दो से मिला दीजिए। और चिनाब पर दुलहस्ती है, तो वन से मिला दीजिए। तो 4321 आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मालपूजा, सोनभद्र और चेरथोनी जैसे प्रसिद्ध स्थानों में क्या समानता है, ये जलाशय हैं, ये तीन के तीनों क्या है, जलाशय हैं। मालपूजा बांध मालपूजा नदी पर, मालमपूजा नदी पर है, ठीक है, केरल के पलक्कड़ जिले में। वहीं रिहंद बांध जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में है। चेरुथोनी बांध जो है पेरियार नदी पर स्थित है, या केरल के इडुक्की जिले में है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि उर्वरक के उपयोग से संबंधित भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या रहा है, किसानों को मृदा पोषक तत्व की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करना। निम्नलिखित युगों से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, क्रांति और संबंधित उत्पाद। सुनहरी क्रांति का संबंध बागवानी और साहस से है, काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम से है, ग्रे क्रांति का संबंध तिलहन से नहीं है, ग्रे क्रांति का संबंध उर्वरक उत्पादन से, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन से है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन विकल्प जो है गलत है। तिलहन से संबंधित जो क्रांति वो पीली क्रांति है, क्या, येलो रिवोल्यूशन है। नीली क्रांति मछली उत्पादन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन गेहूं का कवक रोग है, मतलब फंगल डिजीज है, तो करनाल बंट रोग, करनाल
बंट रोग जो कि टिलेटिया इंडिका नामक कवक के कारण होता है। फ्यूजेरियम हेड ब्लाइट रोग, ये भी आपका गेहूं की, इसे गेहूं की पपड़ी या ईयर ब्लाइट के रूप में जाना जाता है, जिससे गेहूं का ऊपरी भाग समय से पहले सूखने लगता है, ठीक है, तो ये भी आपका कवक रोग है। वहीं पीला रतुआ रोग या येलो रस्ट, देखिए आपका रतुआ रोग भी गेहूं की फसल का एक कवक रोग है। रतुआ रोग जो होता है आपका, रस्ट रोग जो होता है, वो तीन प्रकार का होता है, पीला रतुआ मतलब येलो रस्ट हो गया, भूरा रतुआ ब्राउन रस्ट और ब्लैक रस्ट, ठीक है, तीन प्रकार के रस्ट होते हैं। नरेंद्र शुष्क सम्राट किस फसल की किस्म है? यह धान की फसल है। इसके अतिरिक्त बर्नीदीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र शुष्क सम्राट, लाल मती, ये सभी धान की किस्में हैं। अगला है, दो कथन दिए गए हैं यहाँ पर, बताना इनमें से कौन सा सही है। पहला, महाराष्ट्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है इसलिए गन्ने की फसल की उत्पादकता अधिक है, सही है। उत्तर प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है इसलिए गन्ने की फसल की उत्पादकता कम है। देखिए उत्तर प्रदेश उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ये तो है सही है, परंतु इसलिए गन्ने की फसल की उत्पादकता कम है, ये कारण गलत है। यहाँ पर पहला कथन ही आपका सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग जो है वो चीनी उद्योग है, ये कथन सही है। भारत में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। भारत में गन्ना प्रजनन संस्थान, ये हैदराबाद में नहीं, भारत में गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है, कोयम्बटूर तमिलनाडु, इसकी स्थापना 1912 में की गई थी, ठीक है, तो ये हैदराबाद में नहीं है, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। दक्षिण भारत में गन्ने की उच्च उत्पादकता पाई जाती है। जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चार विकल्प दिए गए, जूट रबी की फसल है, नहीं, जूट जो है, ध्यान रखिएगा, जूट जो होता है आपका वो खरीफ की फसल है, किसकी फसल है? खरीफ की फसल है, तो पहला कथन आपका गलत होगा। दूसरा, जूट को भारत का एक सुनहरा रेशा कहा जाता है, गोल्डन फाइबर कहते हैं, सही है। मेष्टा जूट की एक किस्म है, ये भी सही है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, ये भी सही है। भारत में कोकिंग कोयले का अधिकांश भंडार कहाँ पाया जाता है? तो ये झारिया कहाँ पे? झारखंड में है, ठीक है, झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। अगला है, यहाँ पे दो सूचियाँ हैं, कोयला क्षेत्र और स्थिति। देखिए नामचिक कोयला क्षेत्र कहाँ पे? नामचिक आपका अरुणाचल प्रदेश दो से मिलाइए, लाल मटिया जो है आपका झारखंड तीन से मिलाइए, तंदूर जो है तंदूर तेलंगाना में, तंदूर तेलंगाना आप इसको चार से मिलाइए, झिलमिली आपका छत्तीसगढ़ से वन से मिला दीजिए, तो आपका हो जाएगा 2341 ए ऑप्शन। फिर से देख लीजिए, नामचिक जो है अरुणाचल प्रदेश, लाल मटिया झारखंड, तंदूर जो है आपका, तंदूर ये आपका तेलंगाना में है, तंदूर आपका कहाँ पे? तेलंगाना, झिलमिली आपका छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तेल रिफाइनरियों का कौन सा युग्म राज्य से मेल नहीं खाता? नागपट्टिनम तेलंगाना में नहीं है, नागपट्टिनम कहाँ पे है? तमिलनाडु में। नागपट्टिनम जो तेल रिफाइनरी है ये तेलंगाना में नहीं, तमिलनाडु में, तो पहला गलत होगा। नुमालीगढ़ और असम में है, तातीपाका जो है तातीपाका आंध्र प्रदेश में है, और कोयली जो है गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चार कथन है, भारत में क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है, सही है। भारत में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है, ये भी सही है। भारत में जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है, गलत है। भारत में जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। वहीं भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार उड़ीसा में है। गार्नेट का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रकार के चट्टानों के रूपांतरण से हुआ है? तो अग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से हुआ है, ठीक है, अग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से हुआ है। अगला, निम्नलिखित से भारत में पहला भारी जल संयंत्र कहाँ शुरू किया गया था? तो पंजाब में 1962 में, अगस्त 1962 में, नागल पंजाब में, ठीक है। बाद में वर्ष 2002 में इसे बंद कर दिया गया था। देखिए दूसरा जो खुला था वो गुजरात के बड़ौदा में 1977 में, तीसरा तमिलनाडु के तूतीकारिन में 1978 में, और फिर आपका उड़ीसा के तालचेर में, नहीं, गुजरात के बाद जो है आपका उड़ीसा के तालचेर में खुलता है मार्च 1978, फिर उसके बाद तमिलनाडु के तूतीकोरिन में जुलाई 1978 में खुलता है। तो इस प्रकार से आपके जो भारी जल संयंत्र हैं कहाँ कहाँ पे हैं, तमिलनाडु में भी है, आंध्र तमिलनाडु में है, गुजरात में है, ठीक, उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? थर्मल पावर प्लांट और राज्य। देखिए झानोर गांधार गुजरात में है, दादरी उत्तर प्रदेश में, रामागुंडम उत्तर आंध्र प्रदेश में नहीं, तेलंगाना में है। रामागुंडम जो थर्मल पावर प्लांट है ये कहाँ पे? तेलंगाना में। सीपत कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्टेनलेस स्टील बनाने में आमतौर पर क्रोमियम और निकल का उपयोग किया जाता है, सही है। दूसरा, राउरकेला स्टील प्लांट भारत के उड़ीसा राज्य के राउरकेला में एक सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल वाला इस्पात संयंत्र नहीं, ये सार्वजनिक क्षेत्र का है, अकेले सार्वजनिक क्षेत्र का, इसमें निजी भागीदारी नहीं है। यहाँ पे पहला कथन जो है वो गलत हो जाएगा, सॉरी पहला सही दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा, सी विकल्प जो है आपका, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुई थी,
ये कथन आपका सही है। भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति दिल्ली राजहारा लौह अयस्क भंडार द्वारा की जाती है। दिल्ली राजहारा लौह अयस्क भंडार कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, तो ये भी सही है। अगला है, अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय अनुसंधान स्टेशन भारती, इसका नाम क्या रहा है? भारती की आधारशिला किस वर्ष रखी गई? 2012 में रखी गई, जबकि पहला जो रखा गया था वो दक्षिण गंगोत्री के नाम से, दक्षिण गंगोत्री के नाम से 1983-84 में, और दूसरा जो था वो मैत्री के नाम से 1988-89 में रखा गया था, और तीसरा भारतीय 2012 में। अगला है यहाँ पर, यह है अंटार्कटिका के, ठीक है, आर्कटिक के नहीं अंटार्कटिका के हैं ये, ध्यान रखिए। अगला है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? केंद्रीय उपोषणीय बागवानी अनुसंधान संस्थान या सेंट्रल सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, राष्ट्रीय जैविक कृषि केंद्र नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद में है, उत्तर प्रदेश में सही है, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान हैदराबाद सही है, सेंट्रल ड्राई लैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च ये कहाँ पर है? तो ये आपका उड़ीसा के कटक में नहीं है, उड़ीसा के कटक में नहीं है, ये है कहाँ पे? तो ये आपका हैदराबाद के तेलंगाना में, ध्यान रखिएगा एक चीज़, यहाँ पर कन्फ्यूजन मत करिएगा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, यदि ये होता कि केंद्रीय चावल सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट वो कहाँ पर है? वो कटक में है, उड़ीसा के कटक में है, जिसकी स्थापना 23 अप्रैल 1946 को हुई थी, जबकि और इसे वर्तमान में जो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, इसे वर्तमान में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, जबकि प्रश्न में क्या पूछा गया है? भारतीय चावल जो उड़ीसा कटक में कौन सा है, वो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, जबकि प्रश्न पूछा गया है भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये आपका कहां पर है? ये आपका वर्तमान में तेलंगाना के हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है कि भारतीय राज्यों के संदर्भ में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई का सही अवरोही क्रम बड़े से छोटा क्या है? सबसे अधिक महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश है। अगला है, भारत के समुद्री बंदरगाहों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? चेन्नई भारत का अंतर्देशीय समुद्री बंदरगाह नहीं, ये खुला समुद्री बंदरगाह है, ठीक है, तो ये कृत्रिम बंदरगाह तो है, चेन्नई अंतर्देशीय समुद्री बंदरगाह नहीं, यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, तटीय बंदरगाह है, ठीक है, और ये खुला समुद्री बंदरगाह है। खुला समुद्री बंदरगाह वह होता है जहाँ जहाज तट से दूर खुले समुद्र में लंगर डालते हैं, ठीक है। भारत में इस प्रकार का बंदरगाह चेन्नई है, जहाँ तट से दूर समानांतर घाटों का निर्माण किया जाता है। अंतर्देशीय जलमार्ग बंदरगाह में आपका हल्दिया पोर्ट है, हुगली नदी पर स्थित है, कोलकाता पोर्ट का हिस्सा, वाराणसी पोर्ट गंगा नदी पर स्थित है, और भारत की सबसे पुरानी नगरी में। तो यहाँ पर आपका जो पहला कथन है वो सही नहीं है। अन्य कथन, हल्दिया बंदरगाह बाहरी बंदरगाह का एक विशिष्ट उदाहरण है, सही है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, सही है। विशाखापत्तनम भारत का सबसे गहरा समुद्री बंदरगाह, ये भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के प्रमुख बंदरगाहों में यातायात प्रबंधन में कांडला बंदरगाह का योगदान सबसे अधिक है, ये कथन सही है। दूसरा, मोरमुगाव बंदरगाह गोवा राज्य में जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है, सही है। काकीनाडा एक एंकरेज और गहरे पानी का बंदरगाह है, ये भी आपका सही है। मुंबई भारत का सबसे पुराना प्रमुख बंदरगाह नहीं, ये दूसरे नंबर का है। सबसे पुराना कौन सा? कोलकाता है, कोलकाता के बाद मुंबई दूसरा सबसे पुराना प्रमुख बंदरगाह, तो यहाँ पर डी वाला विकल्प सही नहीं है। अगला है, वर्ष 1971 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा द्वारा निम्नलिखित में से आम की किस संकर प्रजाति का विकास किया गया था? आम्रपाली का। आम्रपाली का विकास जो है ये दशहरी और नीलम के क्रॉस के माध्यम से किया गया था। ध्यान रखिएगा कि आम की बीज रहित सीडलेस जो किस्म है वो कौन सी है? सिंधु जो है आम की एकमात्र बीज रहित, दुनिया की एकमात्र बीज रहित प्रजाति है, ठीक। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जापान को निर्यात किया जाने वाला अनाज मंडुआ उगाया जाता है? तो ये आपका उत्तराखंड में उगाया जाता है, ये काफ़ी पोषक से युक्त होता है, आहारी पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसे गरीबों का भोजन कहा जाता है। मूंगफली की फसल में उपयोग होने वाली प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पिंगिंग कहते हैं, क्या कहते हैं? पिंगिंग, ठीक है। पिंगिंग की होता क्या? इसे परागकण निकलने के बाद फूल के अवशिष्ट भाग के आधार से एक खूंटी निकलकर जड़ की तरह नीचे की ओर मुड़ जाती है और जमीन के अंदर उग जाती है। मूंगफली की फसल को बड़ी मात्रा में जिप्सम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए गेहूं की सबसे उपयुक्त किस्म कौन सी है? मैक्रोनी गेहूं का वास्तविक नाम क्या है? ट्रिटिकम ड्यूरम है। अगला है, टेंशियोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग कुशल सिंचाई के लिए किया जाता है।
फसल सिंचाई की आवश्यकता को इंगित करने के लिए। अगला है कथन कांड का प्रश्न है, पहाड़ी कथन है, पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जैव विविधता में कमी आती है। सही है, कांड ऊंचाई में वृद्धि से वर्षा के पैटर्न में बदलाव होता है और वायुदाब में वृद्धि होती है। देखिए ऊंचाई में वृद्धि से वर्षा के पैटर्न में बदलाव तो होता है परंतु वायुदाब में वृद्धि नहीं बल्कि कमी होती है, तो कथन यहाँ पर सही है, कांड आपका गलत है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए, इसकी जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। सही है, इसकी इसमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होता है लेकिन पोटास कम होता है। ये गलत लिखा है, उल्टा लिखा है, जो जलोढ़ मिट्टी होती है इसमें पोटास अधिक होता है, पोटास अधिक होता है परंतु फास्फोरस कम होता है, तो यहाँ पे बी विकल्प सही नहीं है। सी जलोढ़ मिट्टी में गाद रेत मिट्टी और बजरी पाई जाती है। वहीं डी जलोढ़ मिट्टी का रंग हल्के भूरे रंग से लेकर के गाढ़े भूरे रंग का हो सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक औसत वर्षा वाला स्थान मासिनराम कहाँ स्थित है, तो ये खासी पहाड़ियों में, कहाँ पर, खासी पहाड़ियों में, मासिनराम खासी पहाड़ियों की दक्षिणी श्रृंखला में स्थित है जहाँ पूरी दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, और यह है कहाँ, मेघालय में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है, तो नर्मदा, नर्मदा नदी, इसके मतलब नर्मदा के उत्तर में विंध्याचल है और दक्षिण में सतपुड़ा है और इसके बीच रिफ्ट वैली, इससे होकर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। हिमालयी नदियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है, पहला हिमालयी नदियां प्रकृति में सदा नीरा होती हैं। सही है, कुछ हिमालयी नदियों के मार्ग में परिवर्तन होता है जिससे विसर्प प्रवाह का निर्माण होता है। दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के उत्तर से निकलती है, तो सिंधु सतलुज ब्रह्मपुत्र गंगा, तो सिंधु सतलुज और ब्रह्मपुत्र ये तीनों जो हैं आपकी हिमालय के उत्तर से निकलती है, तो 1, 2, 3 बी ऑप्शन हो जाएगा। गंगा जो है आपका ये हिमालय के उत्तर से नहीं निकलती। थोड़ा देखिए, देखिए हिमालयी नदियों को ट्रांस हिमालयन नदियों और हिमालयी नदियों, हिमालयी नदियों को दो भागों में बांटते हैं, ट्रांस हिमालयन नदियाँ और हिमालयी नदियाँ, जिसे दो उप समूहों में विभाजित किया गया है। ट्रांस हिमालयन नदियाँ हिमालय के उत्तर से निकलने वाली नदियाँ जैसे कि आपका सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र, जबकि हिमालयी नदियाँ हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जैसे कि गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियाँ। तो इस प्रकार से आपका उत्तर, हिमालय के उत्तर से निकलने वाली नदियों में सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र है, परंतु गंगा इसमें नहीं है, गंगा हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि शहरी सीमा के भीतर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो यह संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसे बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, महाराष्ट्र के मुंबई में है। ठीक है, अगला है भारतीय क्षेत्र में स्थित प्रसुप्त ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है, प्रसुप्त की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब डोरमेंट, अभी तो शांत है पर कभी भी ये क्या हो सकता है, सक्रिय हो सकता है। ठीक है, तो ये कौन सा है, नरकोंडम है, नरकोंडम है, जबकि बैरन जो है ये एक्सटिंक्ट है, मृत ज्वालामुखी है। अगला है ला नीना के संदर्भ में, ला नीना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है, तीन कथन दिए गए। ला नीना भारत में दक्षिण पूर्व एशिया, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में भारी मानसून का कारण बनता है, सही है। दूसरा, इसकी घटनाएं 2 से 7 वर्ष की अवधि में अनियमित रूप से होती नहीं, इसकी घटनाएं 2 से 1 से 3 वर्ष की अवधि में अनियमित रूप से होती, तो दूसरा कथन गलत है। तीसरा, ला नीना की घटना मछली पकड़ने के लिए व्यवहारिक होती है, ये कथन आपका सही है, पहला और तीसरा। देखिए एल नीनो की घटना के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किसे, किस महासागरीय क्षेत्र में निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न होती है, तो पूर्वी प्रशांत महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर में होती है। देखिए एल नीनो के कारण पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में तटीय जल गर्म हो जाता है, इसलिए निम्न वायुदाब, वायु सतह दबाव की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर उत्तराखंड में स्थित है, तो चोराबाड़ी, चोराबाड़ी या चोराबारी जो है ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। ठीक है, गांधी सरोवर झील का निर्माण इसी ग्लेशियर के पिघलने से हुआ। वहीं मिलाम जो ग्लेशियर है वो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित मुख्य ग्लेशियर है, और शारदा नदी या काली गंगा नदी जो है वो मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस घाटे को हॉट स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है, तो ये युमथांग घाटी को, युमथांग घाटी को हॉट स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। युथांग घाटी कहाँ पे है, सिक्किम में, सिक्किम की राजधानी गंगटोक से लगभग 149 किलोमीटर है। सांगला घाटी जो आपका ए विकल्प में है, सांगला घाटी कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में है। जो सांगला घाटी या पर्वत चोटियों और बसपा नदियों से घिरा हुआ है। वहीं मरखा घाटी जो है, मरखा घाटी बी विकल्प में जो है, मरखा घाटी जो है ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की एक प्रसिद्ध घाटी है। वहीं नेलांग घाटी, नेलांग घाटी ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ध्यान रखिएगा आपका जो युमथांग घाटी है ये कहाँ पर, युमथांग घाटी ध्यान रखिएगा सिक्किम में है।
इसे हॉट स्प्रिंग के नाम जानते हैं। शांगला घाटी, शांगला घाटी जो है आपका कहाँ पे है, हिमाचल के किन्नूर में है। मरखा घाटी जो है ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है, और निलांग घाटी जो है ये उत्तराखंड में है। ठीक, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी इनमें से किस राज्य में स्थित है, तो ये है केरल में। कहाँ पर है, केरल में। अन्नामुड़ी या अन्नाईमुड़ी जो कि अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी भी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये केरल में स्थित है। अगला है, भारत में जनसंख्या के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सत्य है। तीन कथन है, मानव बस्ती का पैटर्न, मतलब भारत में जनसंख्या के वितरण को क्या क्या प्रभावित करता है, तो मानव बस्ती का पैटर्न, जलवायु और सांस्कृतिक कारक, और स्थायी कृषि का विकास, ये तीन के तीनों ही इसे प्रभावित करते हैं। तो 1, 2, 3 डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में जारवा जनजाति के निवास स्थान कहाँ पे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मुख्यतः ये मध्य और दक्षिण अंडमान द्वीप समूह पे निवास करते हैं। ठीक है, और ये अर्ध खानाबदोश और पृथक जीवन शैली को जीने वाले लोग होते हैं, यह जनजाति है। अगला है, भारतीय मानक समय की मध्यान रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो मध्यान मेरिडियन है की रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से। अब ये पाँच राज्यों से तो सी विकल्प हो जाएगा। ये 5 राज्यों के नाम आप याद रखिएगा। अब ये 5 राज्य कौन से हैं, तो आपका उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर आपका उड़ीसा है, फिर आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, भारतीय मानक समय जो है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया गया है। यह देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के पास झांसी जो है यहाँ से और मिर्जापुर से गुजरती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे सुदूर पूर्व बिंदु है, तो ये है आपका किबूथू। कौन सा है, किबूथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले में स्थित है, और यह बिंदु लोहित घाटी के किनारे स्थित है। वहीं भारत के मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कोल है, जो कि लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर के पास है। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, ये ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार द्वीप पर है। और वहीं भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी तमिलनाडु। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, गुजरात का गुहार मोती है। अगला है, सतही क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो ये मीठे पानी की झील कौन सी है, कोल्लेरू। कोल्लेरू कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, वहीं आपका जल की मात्रा की दृष्टि से, ये सतह के क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका कोल्लेरू था आंध्र प्रदेश में, जबकि जल की मात्रा की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो है बुलर झील। ठीक है, बुलर झील है। रूपकुंड झील को रश्मई झील के नाम से भी जानते हैं, और यह उत्तराखंड में स्थित है। घेपन झील कहाँ है, घेपन झील बर्फ से ढकी घेपन झील हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र और नालिका अपरदन के प्रभाव का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण है, तो यह है आपका चंबल घाटी। अगला कथन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पहला, भारत में सबसे अधिक मवेशी पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, भारत में सबसे अधिक मवेशी पश्चिम बंगाल में नहीं, जो आपका पशुधन जनगणना 2011 हुई थी उसके माध्यम से ये बात की जा रही है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, भारत सबसे अधिक जो मवेशी हैं वो पश्चिम बंगाल में, सही है। तेलंगाना में भेड़ों की संख्या सबसे अधिक है, तेलंगाना में भेड़ों की संख्या सबसे अधिक है, सही है। उत्तर प्रदेश में भैंसों की संख्या सर्वाधिक है। भारत में सबसे अधिक पशु घनत्व बिहार राज्य में है, पशु घनत्व कहाँ पर, बिहार राज्य में, ये भी आपका सही है। वर्ष 2019 में कुल पशुधन के मामले में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा, नहीं, शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश है, फिर राजस्थान, और तीसरे पे आपका मध्य प्रदेश है। इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इस पूरे प्रश्न को, जो कि 75 प्रश्न इसमें थे, इसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तकलीफ बहुत बहुत धन्यवाद।